हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हैप्पी लोहड़ी। अभी हम आज एनालिसिस करेंगे कि इस तरह से हमें ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कैसा सेंटीमेंट्स रहा है और क्या उसमें ट्रेडिंग रहा है। जब हमने रेंज दिया था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जो ओवरऑल रेंज रहने वाली थी वो 300 से 400 पॉइंट की रहने वाली थी। तो अभी हम उसको भाई देखेंगे। मार्केट पूरे दिन एक साइडवेज वे में घूमता रहा, एक रेंज में बना रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको रेगुलर वैसे एनालिसिस मिलती रहती है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैं टाइम टाइम पे चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ कि यहाँ पे क्या सेंटीमेंट बना है, किस तरह से हमें ट्रेडिंग सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके लिए जो मॉर्निंग में एनालिसिस किया था, अगर आप एनालिसिस देखते होंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस तो नहीं होता होगा। इनकेस अगर आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे होंगे तो आपको लॉसेस तो नहीं होता होगा, इतना तो आई एम श्योर। ये यहाँ देखोगे तो मार्केट के लिए जो ओपनिंग थी कल की 12 की, मैंने बोला था ये इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो आज की ओपनिंग देखेंगे ट्रेंड लाइन के आसपास होती है। मैंने बाइंग के लिए बोला था कि 68,800 के ऊपर जब एक क्लोजिंग बेसिस पे कुछ स्टार्ट करना, बर्निंग कैंडल से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ही हमें देखना होगा। तो आप देखोगे मार्केट 9 बजे खुलता है, उसके बाद में थ्रू आउट नीचे आता है, फिर हमारा 68,400 का फर्स्ट सपोर्ट था, ये यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आके हिट करता है अपना। उसके बाद दोबारा से यहाँ ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ। अगर आप नीचे देखोगे, जिस तरह से मैंने एक रेंज बाउंड का मार्केट दिया था आपको मैक्सिमम 300 से 400 पॉइंट मोमेंटम के लिए ऊपर या फिर नीचे, तो आप देखोगे उसी रेंज में घूमता रहा है मार्केट में, पूरे दिन इसने बिता दिया है। अब इस कैंडल के लिए, अब जो कल की एक ओपनिंग पॉइंट थी, दो बार यहाँ पे हो गया, थर्ड टाइम यहाँ आया है, 200 के अराउंड पे जाके अभी हिट करके दोबारा से ऊपर गया है। इसने लो का फॉर्मेशन किया है 179 का, जो कि यहाँ से इसके जो बायर्स अभी बचे हुए थे उसको इसने पिक किया है। लेकिन इन केस ये अभी इसका फॉलोअप आना स्टार्ट हो जाता है तो ये 68,000 होते हुए 67,800 का लेवल दिखाएगा। मैंने अभी टेलीग्राम में इसी को पोस्ट किया है कि मार्केट में सेंटीमेंट्स अभी निगेटिव बन रहे हैं, लेकिन जो हमारी एनालिसिस रहती है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लर्निंग मिलता होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट घूमते हुए पूरे दो दिन इसने बिताया है इस रेंज में। उसके बाद में रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है। अब इस कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद में अगर इसका फॉलो वादा रेंज का अगर रिस्पेक्ट करता है तो ये कम से कम इसको 67,800 का लेवल इसको टच करने आना चाहिए 68,000 होते हुए। तो अभी इसने 200 तक का रेंज दिया है, मतलब 200 पॉइंट इसने डाउनसाइड मूव किया है, लेकिन एटलीस्ट इसको 400 पॉइंट तो मूव करना चाहिए जितना इसकी अभी रेंज बनी हुई है। तो यहाँ देखते हैं मार्केट अपने रेंज को रिस्पेक्ट करता है या फिर यहीं से 200 को एज सपोर्ट मान के, जो कि यहाँ से इसकी ओपनिंग पॉइंट थी, इसको सपोर्ट मान के यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो इसको आपको देखना होगा कि मार्केट में कैसा रिएक्शन बन रहा है। फिलहाल अभी इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। आप इसमें सेलिंग साइड पे हैं तो बने रहिए, SL अपना ट्रेल करके थोड़ा सा लगा लीजिए, जिस तरह से अगर आपको कोई सडन मूव आ जाए, जैसे ऐसी कैंडल्स का मूव आता है तो बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हम इसमें SL क्यों लगा रखे, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। जैसे ये इस टाइप की कैंडल बनती है तो आपको अच्छा वहाँ पर अपने जो अमाउंट रहता है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए। तभी यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद अगर इन केस ओपनिंग इसकी ऊपर होनी लगती है, 400 के ऊपर जाने लगता है, तो दोबारा ये 600 का लेवल दिखाएगा ऊपर साइड के लिए। अगर इनके से नीचे निकलता है तो फिर नीचे 68,000 का लेवल ये दिखाने वाला है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि 4 आवर सेटअप में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, तो उसके पहले सबसे पहले चलते हैं हम 4 आवर सेटअप में, वहाँ से हमें थोड़ा वी बिल्डिंग हो जाती है। 4 आवर में अगर आप देखते हैं तो इसने जो रेंज बनाया था, रेंज के ऑलमोस्ट नीचे तक आया है, लेकिन इसे क्लोजिंग नहीं दिया है। अब अगर इसका क्लोजिंग 400 के नीचे हो जाती है तो फिर नेक्स्ट मूव इसके लिए डाउनसाइड के लिए बनना रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा और नीचे मूवमेंट के लिए देख सकते हैं, जो कि 68,000 तक का लेवल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अगर हम डेली में देख लेते हैं, तो डेली में अगर आप देखते हैं तो डेली में इसने आज की कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो भी देखेंगे। अभी उसी जो कैंडल से 2-3 दिनों की उसी रेंज में बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी जो इसकी ओपनिंग थी उससे ये लगभग 400-500 पॉइंट नीचे तक आया, मूवमेंट किया है। अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो आवर्ली टाइम फ्रेम में 7 बजे की कैंडल बनने वाली है वो डिसाइडिंग मोमेंटम इसके लिए करेगी। अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही अगर इनकेस ये ऊपर खुलती है
तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, इनके से नीचे ओपनिंग होती है तो हमें सेल साइड में देखना होगा। हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या सेंटीमेंट बन रहा है, जैसा होगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। फ्रेंड्स, अगर ये हमारी आज की एनालिसिस थी, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे नए सेशन में नई एनालिसिस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।